बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल मदीना टेलर में खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह आप जो है वो हमारी वीडियोस देखते रहा करें। हम आपको तमाम वॉशिंग मशीन पार्ट्स की वीडियोस गाय ब गाय अपडेट करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, ताकि आपको मुकम्मल आगाही आती रहे, मिलती रहे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसको कहते हैं आईवी कोयल फ़िल्टर। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पार्ट्स है। आईवी कोयल भी कहते हैं, इनलेट कोयल भी कहते हैं, और ये मुख्तलिफ साइज़ेस में आते हैं इनलेट कोयल, जिसकी वीडियोस हमने प्रीवियस बनाई हुई है, आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल मदीना ट्रेडर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर मदीना ट्रेडर लिखें और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वीडियो दें वो आपको आती रहे। ये आईवी कोयल्स एल के बैक साइड पर ये लगते हैं पुल फिल्टर, आईवी कोयल फिल्टर इस तरह जो है वो लगते हैं फ़िल्टर इस साइड से। अगर ये जब पानी इनलेट जाता है, पानी इससे गुजरता है, ये जितना भी कचरा अगर पानी के अंदर आता है वो इस जगह को रोक देता है और अंदर आईवी कोयल में वो नहीं जाता। इससे आपकी ये जो है वो आईवी कोयल भी सेव रहती है, और साथ में आगे जो है वो जो सिस्टम है जिसमें आगे मुख्तलिफ जगहों से जो पानी गुजर रहा है वहाँ से भी जो है वो सेव रहता है। तो पानी को से कचरे को बचा के जब पानी अंदर जाता है तो यहाँ कचरा अमूमन जमा हो जाता है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें जब इनलेट पाइप के जो जगह पर आप अपने अगर रेगुलर यूज़ है तो 15 से 20 दिन में इसकी सफाई ज़रूर किया गई। ये इजीली निकल भी आता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। और अगर किसी भाइयों का जो है ये टूट जाए तो ये एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, इसलिए जो है अलग से अवेलेबल भी है, तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये आप जब साफ़ करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस आईवी कोयल की जो है परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, साथ साथ जो है इसके ख़राब का रेशो भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह आप हमारी वीडियोस को देखते रह कीजिए। मैंने ये आपको दिखा दिए, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, लोकल नहीं है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।